अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे कम टू बैक माई चैनल किंग जोलॉजी आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के कुछ इम्पॉटेंट पॉइंट्स कुछ इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ जो हैं उनके बारे में बताऊँगी तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें जो पहला एम सी क्यूज़ है इसमें है कि पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है या साल्ट रॉक्स हैं ठीक है वो किस एरिया में प्रेजेंट है तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है नॉर्थर्न पंजाब में ठीक है ये खिड़ा वाली साइड पे और उसके बाद तिरछमीर मीर जो है इसकी लोकेशन क्या है ये बहुत बड़ी पहाड़ी है ठीक है तो इसकी लोकेशन जो है वो चित्राल वाली साइड पे है इसके बाद तिरछमीर मीर जो है ये कौन सी माउंटेन रेंज में आता है तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास हिंदू और जो केटू है वो कौन सी माउंटेन रेंज में आता है वो आता है कराक्रम माउंटेन में जो कोल फील्ड्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं सिंध का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट है कोल फील्ड्स तो वो हमारे पास आ जाता है एरिया थरपाकर पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है वो हॉकी है और उसके बाद पाकिस्तान का नेशनल जो ट्री है वो है डायोडर पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो हमारे पास आ जाता है जासमिन और नेशनल बर्ड जो है वो है चकोर अब देखेंगे कि रिवर जो इंडस है ठीक है इसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं इसमें पानी कहाँ से आता है वो आता है टबिटन प्लेटो से और उसके बाद जो हमारे पास है काबल रिवर ठीक है कौन सी माउंटेन से उसकी में वाटर जो है वो आता है तो वो है हिंदू कश मोजो दाड़ो जो है वो कौन से एरिया में प्रेजेंट है तो वो है लड़काना इसके अलावा मोजो दाड़ो जो है ठीक है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है अमाउ ऑफ डेड मैनस कि मतलब वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ थी जो डेड मैन थे उनकी जो मटेरियल था बॉडी पार्ट्स थे फोसल्स थे वो हमें वहाँ से मिले हैं तभी हमें पता लगा है कि वहाँ पर एक सिटी था ठीक है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है काबुल रिवर जो है वो पाकिस्तान में कौन से एरिया से इंटर होता है तो वो नाम है टोरखम इसी तरह काबुल रिवर जो है वो इंडस रिवर के साथ कहाँ पे जॉइन करता है तो वो है अटक यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है अला हाफ टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब किंग जोलॉजी